ब्लैक कलर का आईफोन, ब्लैक भी नहीं है लेकिन मैजेंटा टाइप, मतलब दो कलर में। और ये है आईफोन 14। बहुत बहुत बधाई है खंतवाल भाई को नए वर्ष की। आप ऐसे ही पोखड़ा में स्थित रहे हैं हमेशा, 5 साल आपको हो चुके हैं और आप नमस्कार सुप्रभात। तो एक नया वीडियो शुरू हो चुका है सन 2024 में। तो आप सभी व्यूअर्स के लिए नीरज रावत ब्लॉग 07 की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी और आपके परिवार को भी। तो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता ही लग गया होगा कि आज कौन सी वीडियो आने वाली है। तो आईफोन रिवील होने वाला है आज, हालांकि मैंने पहले ले दिया था लेकिन वीडियो आज बाद में डाल रहा हूँ क्योंकि फैमिली वालों को किसी को पता नहीं है कि मैंने आईफोन ले लिया है। तो आज इस फ़ोन से लास्ट वीडियो ये शूट हो रही है और इसके बाद जो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी वो आईफोन से होगी। थोड़ा क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और थोड़ा कंटेंट भी अच्छे रहेंगे। फिलहाल पोखड़ा से लाइव जो क्रिकेट का प्रसारण होगा वो मेरे चैनल से होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और यूं ही अपना प्यार, जैसे आपने 2023 में मेरे साथ बनाया था, 2024 में भी ऐसा ही प्यार बनाए रखें। तो चलिए फिर आगे की प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हैप्पी न्यू ईयर और मम्मी की ओर से आप सबको नया साल मुबारक हो। हाँ, नीरज रावत की वीडियो सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, लाइक करें, कमेंट करें। दो हजार चौबीस की पहली किरण और सुबह सुबह दर्शन हो रखे जीत बहादुर की टीम के, इन्होंने आबाद कर रखा है यहाँ। मैं बांटने जा रहा हूँ नवंबर्स में मिठाई खिलासू में, तो सबसे पहले ताई के घर में। और ये देखिए उनका डॉगी भी है। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए मम गए सर बाहर आ चुके हैं सो के, अभी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, नया साल है, हार्दिक शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत नए साल की बधाई है आपको सर। आपको भी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, नए साल की हार्दिक बधाई, नए साल की बधाई हो, धन्यवाद। हाँ दादी नमस्ते, नए साल की बधाई आपको। और ये देखिए सुबह सुबह दादाजी यहाँ पे अपनी क्यारी बाड़ी को दुरुस्त करते हुए। तो दादाजी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की, धन्यवाद। और दादाजी ने अपनी क्यारियाँ यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से संजो रखी है। और ये देखिए पॉली हाउस भी है उनका। आज तुम घूम मिठाई ली मेरी, पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये देखिए हमारी बुड्ढी सुबह सुबह काम पे लग गई हैं, अपने बड़े बड़ी बड़ी गाय पाल रखी है, अरे इतनी उम्र में भी बहुत सारा काम अभी भी करते हैं। तो ये है पहाड़ की नारी शक्ति। हाँ तो नए साल की हार्दिक बधाई आपको। आ जाओ बाहर आ जाओ फटाफट। हाँ तुम्हारी स्पेशल आते जाओ बैरम। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं खंतवाल जी। बहुत बहुत बधाई है खंतवाल भाई को नए वर्ष की।
आप ऐसे ही पोखड़ा में स्थित रहे हमेशा, 5 साल आपको हो चुके हैं और आप और 10 साल यहीं रहे, शादी भी आपकी यहीं से हो। इसी शुभकामना के साथ 2024 की शुरुआत होती है खंताल जी के लिए। अरे यार मजा दिया। तो ये है जी पोटली, तो खोलते हैं इसको, खुल जा सिम सिम वाला सीन करते हैं इसका। भाई सब सबसे पहले आएगा बिल, बिल देखो तुम आईफोन का, पैसा पता नहीं क्या क्या है यार, 4-5 बिल है ये, इसको छोड़ो। ये है चार्जर, ये भी अलग से लेना पड़ता है पैसा, ये इसके लिए भी 2000 रुपये चाहिए भाई। और ये है जी फोन, आईफोन, ये देखिए। और ये है जी इसका बैक कवर, ये वाइट मैंने जानबूझ के मंगाया है, क्योंकि इसके पीछे मैं स्टिकर लगाऊंगा अपना यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम का। तो इसको खोलते हैं जी, अब कितना क्या है इसके अंदर, ये देखिए। ये है जी ब्लैक कलर का आईफोन, ब्लैक भी नहीं है लेकिन मैजेंटा टाइप, मतलब दो कलर में। और ये है आईफोन 14, और ये है आईफोन का स्टिकर सेव, और ये है डाटा केबल। डाटा केबल तो फ़ोन के साथ मिलती है लेकिन चार्जर अलग से लेना पड़ता है। तो अब आपको इसी फ़ोन से ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ के आएगी अब आपके लिए। तो एक चीज़ और रिवील करते हैं, वो है ये LED। तो ये भी मैंने अभी हाल ही में ली है, तो जब अनबॉक्सिंग वीडियो डाल रहा हूँ तो मैंने सोचा आज सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग में डाल दी जाए। तो ये रहे वो लड्डू जो कि अभी थोड़ी देर में गांव में बांटने के लिए जाना है जिनको, तो खिलासू तो मैं बांट के आ गया, ये गांव के लिए है। अब तो धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं श्री दीपक रावत जी का, जिन्होंने की आईफोन दिल्ली से यहाँ गढ़वाल तक पहुँचाया मेरे लिए। और बहुत सारी शॉपों में वो गए आईफोन को ढूंढने के लिए, बड़ी मुश्किल से आईफोन उन्हें मिला, और फिर चार्जर भी, और तो इसलिए उनका धन्यवाद करता हूँ। तो वीडियो के लास्ट में जाते जाते आपको ये बता दूँ कि 2-3 जो खुशखबरियाँ थी आपने देख ली हैं, और फिलहाल 2-3 खुशखबरियाँ और आने वाली है जो कि 3-4 दिन में मेरे चैनल पे अपलोड होंगी। तो बने रहे चैनल पे और देखते रहे खुशियाँ ही खुशियाँ 2024 में। धन्यवाद।